ये इंसिडेंट बहुत ही दुखद है और हम लोगों का बिल्कुल दिल से हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये एक आरपीएफ के कांस्टेबल और एक आरपीएफ के एएसआई और तीन पैसेंजर्स या तीन लोगों को गोलियां लगी हैं, जिसमें जो आरपीएफ के कांस्टेबल ने तो सरेंडर कर दिया है और एएसआई और तीन पैसेंजर्स जो थे उनको हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो अभी खबर आई है कि उनको गोली लगी है। ये अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया हमें, जीआरपी को हम लोगों ने सारा कुछ सौंप दिया है क्योंकि उनका जो रिजिक्शन है, तो ये जैसे ही खबर वो कन्फर्म करते हैं तो वी कैन से दैट। बट ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पहली बार गोली चलाने के बाद वो शायद इधर उधर भागा है, तो इतना एग्जैक्ट कहना जब तक पूरी खबर ना आ जाए और सारे लोगों का एक बार ये ना हो जाए तो तब तक ये कहना। यहाँ पे पैसेंजर्स जो अंदर थे मौजूद बी फाइव में, उनका भी कहीं ना कहीं आप विटनेस के तौर पे उनको भी एग्जामिन कर रहे हैं क्या है, उसके कितने लोग जितने भी सारे विटनेसेस थे वो बोरीवली में भी उनसे बात की गई है और जो लोग बॉम्बे सेंट्रल तक आए थे उन लोगों से भी बात की गई है और जो पैंट्री कार का स्टाफ था और जो हमारे किसी कोच के अटेंडेंट थे उन लोगों से भी बात की गई है, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा था कि जिस वक्त सारे लोग ज्यादा सोए रहते हैं, तो इसीलिए अभी वो जो पिक्चर है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि एग्जैक्टली कैसे हुआ। और नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं आई है हमारे पास। तो जो जैसे फायर किया उसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब किस तरह की मानसिकता खराब थी? नहीं नहीं, हमारा ये ऐसा काफी कॉम्पिटेंट था और रेगुलरली अपनी ड्यूटी करता, तो ऐसी कोई समस्या और या असामान्य चीज हम लोगों के सामने नहीं आई, बिल्कुल നോർമൽ വർക്കിംഗ് ആണ്। പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഇനി വിരൽ തുമ്പിൽ, എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇപ്പോൾ സീ മലയാളം ന്യൂസ് ലഭ്യം।